Students, welcome to my channel Science World. Students, if you find this video useful for you, then please like, comment, and share with your friends. Also, subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. And when you get the notification, then please click it and open it. You will get a new video each time. Students, in this video, we are going to read about communication and we will have these subtopics personal communication, postal services, telephone. Computer, mass communication, and artificial satellite. So, let's start. Students, what do you mean by communication? Communication is the sharing of thoughts or sharing of feelings to others. है ना अपने जो फीलिंग्स होती है अपने जो थॉट्स होते हैं उनको दूसरों के साथ शेयर करना उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन सो कम्युनिकेशन जो है उसका इवोल्यूशन होता गया है ओवर द टाइम इन एंशंट टाइम देर वर नो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सो वी वर यूजिंग साउंड्स एंड स्मोक सिग्नल्स एंड मेनी अदर थिंग्स फॉर इट देन वी स्टार्ट सेंडिंग मैसेजेस थ्रू पीजन्स पीजन्स हमने यूज़ किए दूसरे एनिमल्स जैसे कि हॉर्स है उसको हमने यूज़ किया आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स

तो ये जो हमारा जर्नी है एंशन टाइम से अभी तक का मतलब मॉडर्न एज तक का जो हमारा जर्नी है उसको हम कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन ओवर टाइम ओके तो हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सो लेट्स स्टार्ट ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर्स क्रिएचर्स मीन्स वी आर द ऑर्गेनिजम्स दैट आर वेरी इंटेलिजेंट मीन्स इंटेलिजेंट दैन अदर ऑर्गेनिजम्स दूसरे जो एनिमल्स हैं उनसे ज़्यादा डेवलप्ड जो ब्रेन है वो इंसान का है दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन नंबर ऑफ वेज हमारे पास ऐसे बहुत सारे वेज हैं जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं इन द ओल्डन टाइम्स ह्यूमस कम्युनिकेटेड थ्रू साउंड जब हमारे पास कुछ भी नहीं था अर्ली जब एज था हमारा अर्ली ह्यूमन्स जब थे तो उस टाइम हमारे पास कुछ भी नहीं था तो उस टाइम हम हमारे, तो हमारे साउंड्स को यूज़ करते थे है ना अलग अलग साउंड निकाल के हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते थे साथ ही हम स्मोक सिग्नल्स यूज करते थे आ, हमारे जो मैसेजेस है उनको कन्वे करने के लिए लेटर दे कम्युनिकेटेड थ्रू स्पोकन वर्ड्स और जब हमने साउंड से वर्ड्स बनाना सीखा हमने छोटे छोटे सिम्बल्स जिससे हम राइटिंग शुरू किया यूज ऑफ रिटर्न सिम्बल्स हमने स्टार्ट किया और ये जो रिटर्न सिम्बल्स थे हमने लिखना स्टार्ट किए लीव्स और रॉक्स पे बिकॉज पेपर जो है उसका इन्वेंशन उस टाइम नहीं हुआ था तो इस तरह से हमने स्पोकन वर्ड्स से स्टार्ट किया फिर उनको हमने लिखने के लिए सिंबल्स बनाए लिखने के लिए हमने लीव्स रॉक्स और जो केव्स होती थी उनकी जो वॉल्स होती थी केव के अंदर यानी कि गुफाओं में जब रहते थे अर्ली ह्यूमंस तो वहाँ की जो वॉल्स होती थी उन पे वो ड्राॅइंग्स करते थे उन पे वो जो भी चीज़ें देखते थे बाहर एनिमल्स की पिक्चर्स देन जब वो हंटिंग के लिए जाते थे उस टाइम जो सीन्स वो देखते थे उनकी उन्होंने ड्राइंग्स वहाँ पर बनाई देन तो जब उन्होंने फार्मिंग शुरू किया तो फार्मिंग की पिक्चर्स उन्होंने ड्रा की तो इस तरह से उन्होंने कम्युनिकेट करने की कोशिश की और ये सारी चीज़ें आज भी हम उन गुफाओं में देख सकते हैं यू कैन सी हियर ये एक केव पेंटिंग है जो कि भीम का है मध्य प्रदेश में इंडिया में वहाँ की गुफाओं में इस तरह के जो है केव पेंटिंग्स आप देख सकते हो ये भी एक वहीं की पिक्चर है पेंटिंग्स तो इस तरह से उन्होंने एनिमल्स के और अलग अलग जो सीन्स उन्होंने देखे वहाँ पर उनके उन्होंने पिक्चर्स बना के रखे हैं ये जो है एक ताड़ पत्र जिसको हम बोलते हैं या फिर पाम लिफ है ना पाम ट्री जो होता है उसका जो लिफ होता है उसके ऊपर ये लिखा हुआ है देन दिस इज क्ले टैबलेट अब क्ले टैबलेट उस टाइम यूज होते थे इसके ऊपर कार्विंग करके उन्होंने ये अलग अलग सिम्बल्स बनाए हैं और ये जो सिंबल्स थे यही उनके कम्युनिकेशन का एक ज़रिया था उस टाइम सो दिस इज़ नेम एज क्ले टैबलेट्स ये क्ले से भी बनते थे और फिर वो जब सूख जाता था तो हार्ड हो जाता था तो हमने अभी देखा कि एंशेंट टाइम से जो हम मैसेज भेजने का यानी कि कम्युनिकेट करने के जो हमारे तरीके थे वो किस तरह से आगे डेवलप हुए तो सबसे पहले विजुअल इरा एर, में अगर हम आते हैं तो जो फायर है उससे हम एक दूसरे को uh, मैसेजेस भेजते थे थ्रू स्मोक उसको हम बोलते हैं स्मोक सिग्नल्स देन वी स्टार्टेड यूजिंग बर्ड्स लाइक पीजन देन वी स्टार्टेड यूजिंग पीजन फॉर सेंडिंग मैसेजेस एंड वी ट्रेंड देम फॉर दिस सो दिस इज नोन एज पीजन पोस्ट आफ्टर दैट प्रिंटिंग प्रेस केम इन फोर्टीन फिफ्टी प्रिंटिंग प्रेस केम एंड द प्रिंटेड मटेरियल वॉज देयर फॉर रीडिंग एंड फॉर कन्वेइंग द मैसेजेस और इसके बाद आया वायर डरा जिसमें हम कह सकते कि टेलीग्राफ है या फिर टेलीफोन है है ना इनका इन्वेंशन हुआ तो इसमें हम वायर्स यूज़ करते थे इन टेलीफोन्स और टेलीग्राफ मशीन्स के लिए देन कम फोन कॉल्स एंड देन वीडियो फोन्स देन केम पेजर जिसमें हम मैसेजेस सेंड कर सकते थे देन केम द जेराक्स मशीन और उसके बाद हमारा शुरू हुआ वायरलेस इरा मतलब जिसमें हमने बिना वायर के फ़ोन जो है यूज़ करना हमने स्टार्ट किया जिसको हम कहते हैं मोबाइल फ़ोन्स जो आजकल हम यूज़ करते हैं तो इस तरह से ये सारा जो डेवलपमेंट हुआ वो इन्वेंशंस के थ्रू हुआ ओके यहाँ आप देख सकते हो अगेन इन दिस पिक्चर यू कैन सी स्मोक सिग्नल्स देन कैरियर पीजन टेलीफोन दिस इज़ अनदर टेलीफोन डियो कॉल नेक्स्ट इन फ्यूचर वी विल सी द होलोग्राम्स एंड टेलीग्राफी तो ये एक कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है पास से लेकर अभी तक की एंड एंशंट वे टू कम्युनिकेट वॉज टू ट्रेन पीजेंस वीच वैरी लॉन्ग डिस्टेंस मैसेजेस जब लॉन्ग डिस्टेंस मैसेजेस सेंड करने होते थे तो पीजेंस को यूज किया जाता था उनको मैसेजेस जो है वो दिए जाते थे

एक्सप्रेशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन मैसेजिंग दैन टॉकिंग चैटिंग एक्सेट्रा आर ऑल टर्म एज़ कम्युनिकेशन तो ये कम्युनिकेशन के अलग अलग वेज़ है है ना जिनमें हम हमारे एक्सप्रेशन और इन्फॉर्मेशन जो है मैसेजेज हैं हमारी जो फीलिंग्स हैं उनको हम दूसरों तक पहुँचा सकते हैं अलग अलग वेज़ में कम्युनिकेशन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन तो ये उसके दो टाइप्स है पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन पर्सनल कम्युनिकेशन इज़ बिटवीन टू पीपल एंड मास कम्युनिकेशन इज़ यूज टू रीच मेनी पीपल एट द सेम टाइम तो पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब मैं किसी से फ़ोन पर बात कर रही हूँ है ना तो so, ये कम्युनिकेशन हमारे दोनों के बीच में या मैंने किसी के लिए लेटर लिखा ओके okay? तो so, मैंने जिसको लेटर लिखा वो और मैं हमारे बीच में ये कम्युनिकेशन हो रहा है ओके तो दिस इज़ नोन एज पर्सनल कम्युनिकेशन इन बिटवीन टू पीपल बट व्हेन आई सेंड मैसेज थ्रू न्यूज़पेपर और थ्रू टीवी और रेडियो देन इट बिकम्स द मास कम्युनिकेशन बिकॉज आई एम सेंडिंग अ मैसेज टू मैनी पीपल एट द सेम टाइम ओके सो दिस इज़ नोन एज मास कम्युनिकेशन पर्सनल कम्युनिकेशन First we will see about the postal services. Postal services are the oldest means of communication. ये बहुत पुराना uh, communication का एक वे है We get inland letters, postcards, पोस्ट कार्ड स्टैम्प्स the इन द पोस्ट ऑफिस अलग अलग तरह के इन लाइन लेटर्स हैं पोस्ट कार्ड्स हैं स्टैम्प्स एंड वल्प्स हमें पोस्ट ऑफिस में मिल जाते हैं जिसको यूज़ करके हम हमारे मैसेजेस को भेज सकते हैं लेटर्स पोस्टेड इन द लेटर बॉक्स आर टेकन टू द पोस्ट ऑफिस बाय द पोस्टमैन हम जो लेटर्स पोस्ट बॉक्स में डालते हैं उनको पोस्टमैन वहाँ से निकाल करके पोस्ट ऑफिस में ले जाते हैं हियर दे आर सॉर्टेड यहाँ पर इनको सॉर्ट किया जाता है एंड देन सेंट बाय एयर रेल और शिप उनको बाय एयर बाय रेल और बाय शिप से उनके डेस्टिनेशन तक पहुँचाया जाता है अब सॉर्टिंग क्या होता है सॉर्टिंग का मतलब है कि सारे जो लेटर्स वो लेटर्स हैं वो एक ही जगह तो जाएंगे नहीं अलग अलग एड्रेसेस है अलग अलग सिटीज़ है तो इसलिए उनको सॉर्ट करना पड़ता है उनको अलग अलग करना पड़ता है सिटी वाइज ओके एंड देन उनको वो सेंड किए जाते हैं अपने अपने एड्रेसेस पे मनी ऑर्डर्स कैन ऑल्सो बी सेंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस से हम मनी ऑर्डर भी भेज सकते हैं जिसके थ्रू हम किसी को अगर मनी भेजना है पैसे भेजने हैं तो वो हम भेज सकते हैं तो ये सब चीज़ें हम पोस्टल सर्विसेज के थ्रू कर सकते हैं दिस इज़ द लोगो ऑफ़ इंडिया पोस्ट और इंडियन जो पोस्टल सर्विसेज है उसका ये लोगो है भारतीय डाक तो इस तरह से हम लेटर बॉक्स के अंदर लेटर डालते हैं देन यहाँ से पोस्टमैन आ करके उन लेटर्स को निकाल के ले जाते हैं पोस्ट ऑफिस में वहाँ उनका सॉर्टिंग होता है और फिर इस तरह से एक जर्नी जो है लेटर का वो स्टार्ट होता है जैसे यहाँ हमने लेटर को पोस्ट किया फिर वहाँ से उसको निकाल के गाड़ी से या पैदल पोस्टमैन जो है वो पोस्ट ऑफिस में लेके आते हैं और यहाँ उनका होता है सॉर्टिंग ठीक सॉर्टिंग के लिए वो अलग अलग बॉक्सेस बने होते हैं उनमें इन लेटर्स को डाला जाता है फिर यहाँ से ये दूसरे सिटी के जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वहाँ तक इनको लेके जाया जाता है और इसके लिए हम या तो ट्रेन यूज़ करते हैं या फिर बाय एयर ये जाते हैं या फिर बाय बस या और किसी मीन से ये जाते हैं तो यहाँ आने के बाद क्या होता है कि इस पोस्ट ऑफिस में आने के बाद फिर उनको सॉर्टिंग किया जाता है यहाँ पर है ना एड्रेस वाइज जैसे दिल्ली का जो पोस्ट ऑफिस है उसके अलग अलग ब्रांचेस होती है एक मेन हेड ऑफिस होता है तो अलग अलग ब्रांचेस में इनको भेजा जाता है जिसमें कि वो एरिया वाइज उनको स्प्रेड कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वहाँ से फिर ये जो सारे लेटर्स होते हैं पोस्ट कार्ड्स होते हैं जो भी भेजे भेजे हुए हैं हमने तो उनको जो ब्रांच के अलग अलग ब्रांच के जो पोस्ट ऑफिस होते हैं एरिया वाइज वहाँ लेकर के जाया जाता है वहाँ फिर इनके एड्रेसेस को यानी कि एड्रेस के अकॉर्डिंग उनको सॉर्ट किया जाता है अलग अलग एरिया वाइज फिर उनको पर्टिकुलर एरिया का जो पोस्टमैन होता है वो उसको ले जा कर के उस एड्रेस तक पहुंच जाता है तो इस तरह से एक लेटर जो है वो इतनी लंबी जर्नी करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचता है स्पीड पोस्ट फैसिलिटी इज़ नाउ अवेलेबल टू सेंड अर्जेंट लेटर्स क्विकली अगर हमें अर्जेंट लेटर्स भेजने हैं जो कि बहुत जल्दी पहुँचने जरूरी होते हैं तो उसके लिए हम स्पीड पोस्ट यूज़ करते हैं वी कैन टू सेंड इम्पोर्टेंट पार्सल्स लेटर्स एंड पेपर थ्रू कुरियर सर्विस तो स्पीड पोस्ट जो है वो हमें पोस्टल सर्विसेज के थ्रू अवेलेबल है इंडिया में और कुरियर जो है उसके लिए प्राइवेट सर्विसेज होती है मतलब जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनकी कुरियर सर्विसेज़ होती है जिनके चार्जेस अलग होते हैं तो इस तरह से हम छोटी से छोटी वस्तु जो चीज़ होती है वो भी या फिर बड़े से बड़ा कोई आपका चीज़ है जो आप सेंड करना चाहते हो अपने फ्रेंड को या रिलेटिव्स को तो वो भी हम थ्रू स्पीड पोस्ट या फिर थ्रू कुरियर जो है वो सेंड कर सकते हैं देन टेलीफोन द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाई अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्होंने इसको इन्वेंट किया था इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू कॉन्टेक्ट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आप दुनिया में कहीं भी जाओ वर्ल्ड में कहीं भी जाओ आपको अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो टेलीफोन जो है वो सबसे फास्टेस्ट मीन्स होता है लैंडलाइन टेलीफोन्स आर स्टिल यूज लैंडलाइन टेलीफोन जो है वो हम अभी भी यूज़ करते हैं बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नाउ यूज सेलुलर फ़ोन और मोबाइल फोन तो सेलुलर फ़ोन्स को ही मोबाइल फ़ोन्स कहा जाता है और यही जो फोन से आजकल हर एक के पास होता है लैंडलाइन जो है वो हम

आप इंटरनेट पे हर चीज़ को ब्राउज कर सकते हो उसको आप सर्च कर सकते हो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है ईमेल के थ्रू हमारे डॉक्यूमेंट्स है फ़ोटोज़ है वीडियोज़ हैं हम सेंड कर सकते हैं तो कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में आप चले जाओ आप मोबाइल से कहीं भी कम्युनिकेट कर सकते हो सो हियर यू कैन सी ही इज ग्राहम बेल इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन एंड दिस इज़ द फर्स्ट टेलीफोन मेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल दीज आर द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ लैंडलाइन फ़ोन्स ये सारे लैंडलाइन फ़ोन्स हुआ करते थे पहले और ये जो है ये उनका बनाया हुआ टेलीफोन है उसके बाद आए इस तरह के फ़ोन्स है सेलुलर मोबाइल्स जिनको हम कहीं भी ले जा कर के यूज़ कर सकते थे उसके बाद आए ये मोबाइल फ़ोन्स और आजकल हम जो एंड्रॉइड यानी कि जो स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं वो ये रहे रेडियो चैनल्स एंड टेलीविज़न शोज़ आर अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट इन सिटीज टाउन एंड विलेजेस तो आजकल जो रेडियो चैनल्स और टेलीविज़न शोज़ आते हैं वो इतने सारे हैं कि आप सब नहीं देख सकते है ना कोई जो स्टेट वाइज भी अलग अलग चैनल्स आते हैं नेशनल चैनल्स होते हैं न्यूज़ चैनल्स होते हैं स्पोर्ट्स चैनल्स होते हैं बच्चों के कार्टून के चैनल अलग होते हैं कुकिंग के लिए अलग से चैनल्स होते हैं ट्रैवलिंग के लिए अलग से चैनल्स होते हैं तो ये सारे जो चैनल्स हैं टेलीविजन हो या रेडियो हो वो एक अच्छा सोर्स है इंफॉर्मेशन का और एंटरटेनमेंट का न्यूज़ पेपर्सो रिच ऑफ सब्जेक्ट्स So, here we have finished this topic. Thank you for watching this video. Please like, comment, and share with your friends. Also, subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. And when you will get notification, please click it and watch the video. We will meet again in your next video. Till then, take care. Bye bye.